हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। दोस्तों आज हमारी 19 तारीख। फ्रेंड्स आज आपसे डी ग्रुप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी मॉडल विस टाइप। फ्रेंड ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये हमारे फर्स्ट इसमें पूछा गया है, जीएसटी मॉडल विस टाइप, मतलब जीएसटी कितने प्रकार का कर होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जीएसटी जो होता है दो प्रकार का कर है, दो प्रकार का दोस्तों, ये एक सीजीएसटी होता है एक एसजीएसटी होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। ठीक है दोस्तों, अपने सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आपका हरियाणा, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हरियाणा से हुई है फ्रेंड अभी हाल ही में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया आपसे, इसका आंसर दोस्तों बाहुबली। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में मूवीज जो रिलीज हो रही हैं दोस्तों, जो अभी सबसे मतलब हॉट मतलब सुपरस्टार में मूवी है, फ्रेंड्स उनको आप ध्यान से रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला जज कौन है। दोस्तों क्वेश्चन भी करंट का क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों हमारा गीता मित्तल, ठीक है, जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की महिला जज है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों आरआरबी डी ग्रुप में। इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका अग्नाशय से। इंसुलिन जो होता है फ्रेंड्स, हमें जो इंसुलिन होता है दोस्तों वो स्रावित होता है अग्नाशय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नींद की बीमारी को क्या कहा जाता है, मतलब नींद की बीमारी को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर है आपका इंसोमेनिया। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बस फ्रेंड इतना कहूंगा कि जितनी मतलब की डिशेज होती है सबका नाम आप याद कर लें जरूर ध्यान रख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब दोस्तों मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, एक ही बात होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर आपका 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की हाईएस्ट पेन एक्ट्रेस कौन है, मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली, सबसे मतलब सबसे क्या कहते हैं दोस्तों इसका क्या नाम देते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मतलब फिल्म में पैसे कमाने वाली, मतलब फिल्म के ज्यादा पैसे लेने वाली कौन सी मतलब एक्ट्रेस है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका दीपिका पादुकोण जो है सबसे ज्यादा पैसे लेती है मूवी बनाने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका आंसर आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटो जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, असम के सीएम कौन है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसका आंसर है फ्रेंड्स सर्वानंद सोनोवाल। फ्रेंड्स आपको मैं इतना कहूंगा कि अभी हाल ही में मतलब जितने भी सीएम भी जो क्या कहते हैं गवर्नर चेंज हुए हैं दोस्तों, आप उनको भी याद कर लें और ऑल कंट्री के सीएम को भी फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असम के राज्यपाल कौन है। दोस्तों इसका आंसर आपका जगदीश मुखी, जो भी हाल ही में असम के राज्यपाल हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किसने किया। फ्रेंड्स जो भी हाल ही में गुजरात में ये दोस्तों करंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है, इसको जो बैंकिंग घोटाला दोस्तों नीरव मुखी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर पता ही होगा, काफी आसान क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है दोस्तों सेरिबेलम जो होता है अपने मस्तिष्क में होता है फ्रेंड्स, ये हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन फलों और सब्जियों में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दोस्तों आपका विटामिन डी, जो फलों सब्जियों में पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आप मैं आपको इतना कहूंगी, आप फलों सब्जियों में और कौन सा विटामिन किस चीज में पाया जाता है आप इनको भी जरूर याद कर ले रट ले फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं डी ग्रुप में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीलिया में कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है, जब आपको दोस्तों पीलिया हो जाता है इससे आपका कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। तो लीवर, लीवर जो होता है फ्रेंड्स आपके पीलिया होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है लीवर पे पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जीके के दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं मैं आपको सभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।